प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है शिवपुरी जिले की चिट्ठी आलेख रंजीत गुप्ता वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की शुरुआत होगी इस दौरान जिले में जिला प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां की है कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बताया है कि 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शुरू किया जा रहा है इस अभियान के तहत हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है पोर्टल 181 के माध्यम से इसमें हितग्राही भी अपना यूजर नेम पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं या क्या के माध्यम से करा सकते हैं पिछले दिनों शिवपुरी कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली इस बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को आगामी त्योहारों को लेकर अपने अपने अनुविभाग में शांति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए खाद्य विभाग के अधिकारी को राशन दुकानों पर सूची चस्पा करने के निर्देश दिए हैं जिससे हितग्राहियों को भी ये जानकारी रहे कि इस महीने दुकान पर कितने राशन की उपलब्धता है और कितना वितरण किया जा चुका है शिवपुरी में पिछले दिनों पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भ्रमण पर आए और उन्होंने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा की प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि 17 सितंबर से यह अभियान शुरू हो रहा है इसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराने का अभियान जारी है इस कार्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा क्षेत्र में जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में ये काम सबसे अधिक किया गया इसके लिए करेरा एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला को सम्मानित किया गया शिवपुरी जिले के बदरवास कस्बे में पिछले दिनों माइनिंग पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए डंप करके रखी ढाई घन मीटर यानी सोलह डंपर रेत जब्त कर ली इसके अलावा करेरा के सेहोरा थाना अंतर्गत चितारी पर सिंध में डली छह पंडुप्पी जब्त कर उन्हें जेसीबी से नष्ट किया गया प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे इन निर्देशों के बाद ही प्रशासन चेता और कार्रवाई की गयी शिवपुरी में पिछले दिनों नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों को उनके अधिकार और पंचायती राज व्यवस्था को लेकर स्थानीय पंचायत प्रशिक्षण केंद्र पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया प्रशिक्षण के दौरान कलापथक दल के कलाकारों ने उपस्थित नवनिर्वाचित सरपंचों को समाज में बढ़ती हुई शराब तंबाकू, गुटखा सिगरेट की लत और नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों की जानकारी दी शिवपुरी में पिछले दिनों गणेशोत्सव की धूम रही गणेश महोत्सव के दौरान शिवपुरी में 50 से अधिक स्थानों पर छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाएं पंडालों में विराजी गई प्रतिदिन शाम के समय गणेश पंडालों में अचल झांकिया आकर्षण का केंद्र बनी रही पिछले दिनों शिवपुरी के केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी केंद्र में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलन के साथ सर्वपल्ली राधा कृष्णन के छायाचित्र पर विद्यालय के प्राचार्य एस के शर्मा वरिष्ठ शिक्षकों के माल्यार्पण के साथ ही कार्यक्रम शुरू हुआ शिवपुरी में पिछले दिनों राधा अष्टमी का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया इस दौरान कोलारस में भक्तों में खासा उत्साह देखा गया कोलारस को मिनी वृंदावन भी कहा जाता है यहां पर कई वर्षों से राधा अष्टमी विशेष त्यौहार के रूप में मनाई जाती है इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कोलारस की गलियों से निकले शिवपुरी जिले में कुपोषण को, को कम करने के लिए पोषण माह की शुरुआत हो चुकी है इस दौरान जिले में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा पोषण की घंटी कुपोषण से छुट्टी अभियान शुरू किया गया इस अभियान का उद्देश्य समाज में प्रतिभागिता और व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित कर पोषण के स्तर में सुधार लाना है शिवपुरी में पिछले दिनों यातायात सप्ताह के तहत पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए जागरूक किया गया इस दौरान पुलिस द्वारा विभिन्न थाना स्तर पर जागरूकता अभियान स्कूलों में चलाए गए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई